subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. आसरा नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगर मां है इम्तियाज मीर। सेनेट चूंडू खुलियल यानी कि ओपन बैलेट से कराने के लिए तरमीमी बिल सेनेट में पेश कियो वियो। हुकूमत चे थी तो असा खरीदो फरोख्त के रोकन चाहूं था। जेकरे हुकूमत जी नियत या हुई तो जैसे सेनेट चेयरमैन हो तो यह शे छो न पेश कई वही उन मल हुकूमत के एतरो इहा शे कोन हुई। सदारती रेफरेंस जैसे मोकलियो वियो उन मल तहां के याद हो जो उन मल भी यह शे चई वही इनसा गड एतरो आसान है गवर्नमेंट के लिए यह तरमीम आइनी तरमीम आन उनसा गड पीडीएम की तहरीक तहरीकू टाइम वर्दियों आहिन मोबिलाइज करण के लिए या तारीख है मास मोबिलाइजेशन करने के लिए। शायद खाकान अब्बासी एक जुमलो चो है तो जैसे फैसलो थे तो इस्तीफाउन जो फैसले का पीपल्स पार्टी इस्तीफा नथी दे तो पीपल्स पार्टी तहरीक बाहर हली वी इजलास थो जैमें वीडियो लिंक के जरिए मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब भी उन वीडियो लिंक में हो उन फैसलो हतमी कंदे जो सुबह तकरीबन थी उन में यो तय कंदे तो इस्तीफा देणियों आहिन या ना। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है तो तह अदम एतमाद की तहरीक आखिरी ऑप्शन होंद। लॉन्ग मार्च जो फैसलो किए थे तो ऐलान थो किए पीपल्स पार्टी ने केतरो बेंदी या पीपल्स पार्टी कन्विंस कंदी इन हाउस तब्दीली जो ये तो असें खबर पे मुल्क के अंदर महंगाई बेरोजगारी पे उरूज से आए वे में वो सब का मसलो है वैक्सीन जो खैराती वैक्सीन मिली हैं गवर्नमेंट ऑर्डर प्लेस को जी डोज मिलियान उ भी तक पा खबर है इन जिम्मेदारी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेट रही चुका कें तारुफ ए तारीफ जहाँ मोहताज ने डॉक्टर साहब वेलकम उन मोहतरम जनाब बैरिस्टर इमरान अली मिठानी साहब तजिया निगार बैरिस्टर कानूनदान सर मैं वेलकम चुंद। थैंक यू डॉक्टर साहब हुकूमत जो है चे थी खरीद फरोख्त न थे या हुकूमत के पांच मानून से इतमाद ना वोट को जी कारदगी पेट्रोल एतरो महंगो महंगाई बेरोजगारी मुल्क के अंदर सूरत हाल तहां जे सामो आए मुआशी सियासी छा चंदो डॉक्टर साहब मसलो यो है इम्तियाज साहब के खरीदो फरोख की जेस तई गाल है तो जिते पार्टी स्ट्रांग साइन उते फरीद ये जको है सो यो सिस्टम जको जको एमपीएस के खरीद न तो कर सके आई जिते छिड़वागियो आइन उते थिंदो है ट्रेडिशनली एक बिन प्रोविंसेस में जिते पार्टी पोजिशंस कमजोर होंदन तो उते छिड़वाग भी थन्दू आन तो हिन में तो तक खबर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में टू थर्ड मेजॉरिटी खपे नेशनल असेंबली सेनेट बिन्हीं में बी गाल जेके फाउंडिंग फादर्स ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने यो जो इन कर रखो तो हि प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेटिव बुनियाद से इलेक्शन थी नंबर वन गाल नंबर टू गाल जो इनमें वोट ट्रांसफरबल भी थींदा नंबर थ्री गाल यह है तो नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली जा जेके मेंबर्स हैं इंडिपेंडेंट्स हैं वो कंदा सब का आखिरी इंपॉर्टेंट गाल यह है तो सजी दुनिया में राइजुल वक्त तरीको वन मैन वन वोट जो वो सीक्रेट बैलेट के जरिए अगर न थे 71 का पाकिस्तान में तो वन मैन वन वोट 71 का थो उन जो सिस्टम अगर ओपन बैलेट जो हुए तो हेडा वेडा वा वा जो पान के डमी गॉड्स खुदा सदाइंदर जो शख्सियतू हुई वो सीक्रेट बैलेट के कर इलेक्शन हारा वह ना तो मकसद है तो जो तुम दरवाजो खोलो था ओपन बैलेट जो सुबह को जनरल अची वही रहे
चे तो बाबा हाँ ओपन बैलेट थे मुझे वोट दियो गन पॉइंट से मानून के चे बाबा वोट दियण शुरू कर तो मानू छा कंदा तो ये 88 जी इलेक्शन में हेडा हेडा वड़ा वड़ा जेके सो बुत करी पिया तो सीक्रेट बैलेट जे करे थे ना हाँ जैसे मिसाल तौर से ये जेके वोट की खरीद फरोख जी थे उको है सो उनके रोकने के लिए पार्टी मजबूत होजन बलोचिस्तान में हमेशा ला तादाद पार्टीज होंद उते जेको है सो खलाई मखलूक जी इंटरफेरेंस होंदी है केपी में भी ई रहयो है केडी माल पार्टीज होंदियो इन मजबूत केडी माल न होंदियो पंजाब सिंध में कोन थींदो है पार्टीन जी पोजीशन जे करे पो अगर एक बा अगर को ठगी कंदो है तो पार्टी उनन के दस ही छडींदियो है उन एमपीए के तो हाणे जे करे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आइन त ये सब चीज होइन उनन के ता के दिसणो पोंदो ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जे लाए अलाई वडी डिबेट थींदी है ही कौन थी तो अज बस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अची वे उन्हें डिबेट थी है कॉन्सिक्वेंसिस दिसबा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है ट्रांसफरेबल वोट है इंडिपेंडेंट साइन मिसाल सेनेट में एकड़ो एम पी ए या एकड़ो एम एन एकड़े मानू को वोट को वो वरी वो ही मानू जो जो एम पी ए या एम एन ए हों वो नंबर टू भी नंबर थ्री भी नंबर फोर भी वो जो खटी वो ट्रांसफरेबल पॉइंट्स में केॾी महिल ईअं बि थींदो आहे पॉइंट्स ते बि माण्हू सेनेटर या थी वेंदा आहिनि त इहो अहिड़ो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे ऐं इन में मिसाल तौर ते इलाही हेर फेर थी सघे थी त मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त हिन वक़्तु पॉसिबल कोन्हे ठीकु आहे सर तहरीक हले थी जोश जज़्बे सां तहरीक हले थी तव्हांखे लॻे थो एतिरी आसानी सां हिन गवर्नमेंट खे घर मोकिलियो वेबो बैरिस्टर साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहिरियां त साईं सलाम अलैकुम तव्हांजे सभी व्यूअर्स खे मूंखे नथो लॻे की गवर्नमेंट एॾी आसानी सां माना इन तरीक़े जे बुनियाद ते वापसि घरु हली वेंदी लिहाज़ा इहे तरीक़ूं माना गवर्नमेंट खे कमज़ोर ज़रूरु कनि थियूं ठीकु आहे गवर्नमेंट जेका आहे पंहिंजे मौक़िफ़ खां हटी वई आहे एक्चुली गवर्नमेंट इहो नथी ॾिसे त कंहिं ग़रीब जे घर में लाइट आहे या न आहे गवर्नमेंट जे सिर्फ़ु गौर फिक्र में इहो आहे त भई हीउ पंहिंजो जेको आहे फॉरेन फंडिंग जो केसिस हलाइणो आहे गवर्नमेंट इहो नथी ॾिसे त ग़रीब जे गवर्नमेंट इहो नथी ॾिसे त ग़रीब जे घर में को चूल्हो ॿरे थो या बुख ते माण्हू वेठा आहिनि उहो हुनजो गौर फिक्र न आहे गवर्नमेंट जो गौर फिक्र इहो आहे त भई जेके अपोज़िशन आहे हुनखे कीअं ख़तमु कजे भई कूड़ा सचा जेके केस आहिनि सम्झो त साईं कब्ज़े माफ़िया जे नाले सां या ॿिया उन जे गौर फिक्र में आहे त गवर्नमेंट बेसिकली पंहिंजे मौक़िफ़ खां हटी वई आहे इहे सभु शयूं अॻिते हली करे गवर्नमेंट खे कमज़ोरी कनि थियूं ऐं गवर्नमेंट पंहिंजो दुश्मन पाण थी पए तव्हां ॾिसो सॼी जेका उनजी क़यादत आहे न उनजो सॼो ध्यानु अपोज़िशन ते आहे हीअ छा था कनि हीअ छा था कनि हिननि जा किथे किथे माना कहिड़ी कोतयूं आहिनि त उन्हनि खे माना हाईलाइट करे कयूं हुननि जो गौर फिक्र इहो न आहे त असांजी एनर्जी क्राइसिस आहे असांजा केतिरा शागिर्द यूनिवर्सिटीज़ मां मतिलबु कामयाबु थी करे निकिरनि था डॉक्टरनि इंजीनियरनि वकीलनि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उन्हनि जो रोज़गारु कीअं ॾियणो आहे उन्हनि खे रिलीफ़ कीअं ॾियणो आहे उन्हनि खे घर मां कीअं कढणो आहे भई पंहिंजी हू घर में वेहिजी आहिनि ठीकु आहे सर नुसरत वाहिद साहबु पी टी आई के एम एन सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मैं आपको वेलकम करता हूँ मैडम जी अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया मैडम गवर्नमेंट की तवज्जो मसाइल नहीं है गवर्नमेंट के सियासी जितने भी मसाइल उन पे तवज्जो अवामी मसाइल पे नहीं है जिस तरह ये सेनेट की इंतखाबात है इनके हवाले से तरमीमी बिल पेश किया गया है जल्दी में उजलत में जिस तरह का शोर शराबा हुआ है असेंबली अंदर आपके सामने क्या कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे देखिए ये अपोजिशन समझ रही है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ अपोजिशन को पकड़ने धकड़ने में लगी हुई है और कोई और काम नहीं कर रही या सेनेट का जो जल्दी में एक बिल लेके आए हैं वो पास अभी करवाना बाकी है वो हो जाए तो उसके बाद फिर वो कोई और चीज आगे बढ़े जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे वो ये भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ आप देखें कि आपका मुल्क जहाँ पे खड़ा था इस वक्त उसकी इकोनॉमी कहाँ पहुंची हुई है माशाल्लाह इस वक्त हम लोग सरप्लस में हैं अगर हमें रोजाना सुबह आँख खोलते साथ ही सूद का कर्जा ना अदा करना पड़े तो हम इस वक्त सरप्लस में हैं वो ऐसे ही हो गए बगैर किसी मेहनत के बगैर किसी चीज के और जहां तक इनको पकड़ने धकड़ने की बात है तो ये एक वो मिशन है प्राइम मिनिस्टर का जो 22 साल से उनका अहद था कि जब वो आएंगे हुकूमत में तो वो ये काम करेंगे और वो ये काम कर रहे हैं वो इस खुद से नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने पहली दफा ऐसा किया है कि अपने जो अदालतें हैं जो नैब है उन सबको आजाद छोड़ दिया
अब वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, वो नए वो अदालतें जो मुकदमे भुगत रहे हैं ये लोग, वो भी हमारे नहीं है, वो भी इन दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए थे अपने जमाने में, और वो सारी चीजें बिल्कुल आजादाना तौर पे चल रही हैं और वो सब कुछ हो रहा है। जहां तक इनका ये ब्लेम है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल में 3 सालों में हुकूमत ने जितना कर्जा उतारा है वो शायद पहली हुकूमत है जो इतना कर्जा उतार चुकी है। फिर कोरोना में जिस तरह हम लोगों ने फाइट किया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए माशाल्लाह, और पहली वेव में भी और दूसरी वेव में भी, कि आज इंग्लैंड और अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को फॉलो करें। अभी जो वैक्सीन मंगवाई गई है आप देखें, चाइना ने मुफ्त दी है हमें, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप में दिए, खैरात में दिए, हेलो खैरात में दिए, मुफ्त में दिए। अब ये किस कदर बुरी बात है, किस कदर बुरी बात है। अब एक आप से मैंने सवाल किया मैडम, नहीं सवाल नहीं है, ये गलत सवाल है। आप तो खुद मंगवाते हैं ना, मेरे बहुत कैसे मंगवाते हैं आपने पैसे, सवाल करूं तो आप कह रहे हैं बुरी बात है, आप खुद मंगवाए ना, बुरी बात है ये कि आप कह रहे हैं खैरात में, चाइना खैरात में देगा, चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हिमालय से ऊंची और समंदर की गहराइयों से मुल्कों की दोस्ती नहीं होती, मुफादात मुताबिक आप कहेंगे कि वो खैरात देगा हमें, खैरात क्यों देगा वो, खुदा ना खास्ता वो हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और इसी तरह जब पूरी दुनिया उनको ब्लेम कर रही थी कि कोरोना चाइना से आया है, तो उस वक्त पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ था, चाइना से नहीं आया, रियलाइज कर रहे हैं चाइना से नहीं आया है, तो ये कोरोना जो है किसी जानवर से निकला है, वो जानवर कहाँ था? अभी तक खैर इसके बारे में पूरी बात नहीं की जा सकती, हमें नहीं अंदाजा कि असल वजूहत क्या है, लेकिन बाहर पाकिस्तान उस वक्त उनके साथ खड़ा था और वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। कोई मुश्किल वक्त होता है तो चाइना हमारे साथ होता है, तो हम उसकी दी हुई चीज को खैरात कैसे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो ख्याल रख रहा है अपने उस साथी का जो हमेशा उसके साथ खड़ा है और वो उनके साथ खड़े हैं। और आप देखें कि किस तरह सूबों में बांटी गई है वैक्सीन, और अभी फ्रंट लाइन जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और वो स्टाफ है जो कि कोरोना का ख्याल रख रहा है उनको लगाई जा रही है टेस्ट बेसिस पे। मेरे एक ही समय मैडम सवाल करना है, पहले सवाल करना है, अगर यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर वहां के बादशाह ने पहले अपने आप को वैक्सीन लगाई, अगर अमेरिका के अंदर जो बाइडन ने अपने आप को, खान साहब ने अपने आप को पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई चाइना की? हाँ, मेरे ख्याल में खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, वो एक्सरसाइज, वैक्सीन तो लगवाए ना, हेल्दी है तो वैक्सीन नहीं लगवाए, जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं नहीं समझती कि मैं लगवाऊंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कभी वो इसी वजह से लगवाएंगे, एतमाद बढ़े कि ये वैक्सीन अच्छी है बेहतर है, लोगों का एतमाद बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, एतमाद बढ़ने के लिए जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं जो बेचारे मर रहे हैं उधर से आएगा वो एतमाद कि हम उनके बीच में, प्राइम मिनिस्टर से लगवा के अपने ऑफिस में चले जाएंगे या अपने घर चले जाएंगे, उनका इंटरेक्शन उस तरह लोगों के साथ नहीं है जिस तरह फ्रंट मैन डॉक्टर्स का है या नर्सेस का है या बाकी स्टाफ का है। उनका लगना और उनका सेहतियाब रहना इस वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा लोगों को बनिस्बत इसके कि मैं और आप लगवा के अपने घर में जाके बंद हो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक जो टाइम थी, ब्रेक हम होता है।